हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का पार्ट फोर्थ वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन जो 10.6 का है, उसका बी पार्ट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, दैट मीन्स SN1 रिएक्शन। अगर आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट समझना है तो हम इससे पहले SN2 रिएक्शन पार्ट थर्ड में बना चुके हैं, आपको उस वीडियो को देखना होगा। क्योंकि SN1 और SN2 रिएक्शन समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि स्टेरियो केमिस्ट्री क्या होता है या स्टेरियो आइसोमर क्या है, किसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, क्या स्टेरियो सेंटर होता है, क्या कायरल कार्बन होता है। तो ये सब सारा चीज हम लोग डिस्कस SN2 रिएक्शन, दैट मीन्स पार्ट थर्ड वीडियो में कर चुके हैं, उन सब का यहाँ हम लोग यूज करेंगे। तो बेहतर यही होगा कि सबसे पहले आप पार्ट थर्ड वीडियो देखें SN2, उसके बाद इस वीडियो को देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, मतलब SN1 रिएक्शन। याद कीजिए, हम लोग जो SN2 रिएक्शन किए थे वो क्या था, वो एक ही स्टेप में रिएक्शन होता था। लेकिन SN1 रिएक्शन ऐसा नहीं है, SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो देखिए हम मैकेनिज्म इसका लिखे हैं, स्टेप वन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहां पे हम एक कायरल कार्बन लिए हैं, फिर वही बात, कायरल कार्बन क्या है, तो इसके लिए आपको इसका प्रीवियस वीडियो देखना होगा, पार्ट थर्ड। चलिए, तो ये मेरा कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। तो यहां पे स्टेप वन में क्या होता है, सबसे पहले ये स्टेप वन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल यहां से ब्रेक हो जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल जब ब्रेक होगा तो ये मेरा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, क्या बना, कार्बोकेटायन, और ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर यह था क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया हुआ था। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब हटेगा तो ये अपने आप को अरेंज करेगा और एक प्लेन में आ जाएगा, तो ये मेरा है ट्राइगोनल प्लेनर। अब चलिए स्टेप टू में क्या होता है, स्टेप टू में प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहां पे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो ये एग्जाम में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो पहला डिफरेंस यहीं पे आपका आ गया कि SN2 रिएक्शन वन स्टेप में होता था, लेकिन ये SN1 रिएक्शन टू स्टेप में हो रहा है। और जो इसका हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, लेकिन SN2 में क्या था, पोलर अप्रोटिक था। जैसे वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वाटर देखिए, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ही हाई होता है। ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, किसी भी सॉल्वेंट का जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होगा उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल को ब्रेक कर पाएगा। तो अब देखिए स्टेप टू, ये मेरा कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि यहां पे ये कार्बोकेटायन बन चुका है, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, आसानी से अटैक करेगा। तो ये जो स्टेप वन होता है, यही स्टेप मेरा स्लोएस्ट स्टेप होता है, और यही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और इसी यही स्टेप डिफाइन करता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। वही यहां पे बात है यूनिमोलिक्यूलर, मतलब ये जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे, इसलिए इसका नाम दिया गया यूनिमोलिक्यूलर। और इसका ऑर्डर क्या होगा, वन होगा। याद कीजिए SN2 में क्या था, सेकेंड ऑर्डर था। अब चलिए यहां पर देखिए स्टेप टू, जब ये यहां पे प्रोडक्ट जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां पे फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। जब ये फ्रंट साइड से अटैक किया तब ये प्रोडक्ट मेरा बना। अब देखिए मेरा इनिशियल प्रोडक्ट ये था, इसका स्ट्रक्चर ये है, और अभी भी मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट यही है, मतलब जो जैसा यहां पर था वैसा ही प्रोडक्ट यहां पर दे रहा है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। रिटेंशन कब बन रहा है, जब फ्रंट साइड से कार्बोकेटायन पे अटैक कर रहा है, लेकिन जब ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तब देखिए ये मेरा ऐसा था, लेकिन प्रोडक्ट इस टाइप का बन रहा है, मतलब इन्वर्जन बन रहा है। तो इस टाइप से यहां पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन।
लेकिन याद कीजिए एसएन टू में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन मिलता था, लेकिन यहाँ दो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आपका एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड दिया हुआ रेसमिक मिक्सर क्या है, तो रेसमिक मिक्सर का फॉर्मेशन एसएन वन रिएक्शन में होता है। इन दोनों के मिक्सर को ही हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सर। रिटेंशन और इन्वर्जन, इनके मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सर। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये रिटेंशन पीपीएल लाइट, अब फिर वही बात, पीपीएल लाइट क्या है, तो इसके लिए आपको देखना होगा फर्स्ट वीडियो, इससे प्रीवियस वीडियो। तो ये पीपीएल लाइट को अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट हैंड साइड अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। तो इस टाइप से क्योंकि इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है तो यहां पे ये लेफ्ट रोटेट कराना चाहेगा तो ये राइट रोटेट कराना चाहेगा। इस टाइप से पीपीएल लाइट में इसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, मतलब पीपीएल लाइट में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, रिटेंशन और इन्वर्जन के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सर बोलते हैं। तो इस टाइप से ये मेरा था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फेमस आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएन1 एंड एसएन2। तो एसएन2 हम लोग करा चुके हैं लेकिन यहां पे हम लोग एसएन1 को देखते हैं। तो अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, क्या लिखा हुआ, इट ऑकर्स इन टू स्टेप। हम लोग देखें स्टेप वन और स्टेप टू हो रहा है। इट्स ऑर्डर इज वन, अभी हम क्या बोले, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो यही स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप ही इसका ऑर्डर डिफाइन करता है, इसलिए इसका स्टेप क्या है, ऑर्डर क्या है, वन है। अब यहां पे क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। लेकिन याद कीजिए एसएन2 में क्या था, पोलर अप्रोटिक था। तो इस टाइप से आप प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो को देख के एसएन1 और एसएन2 में आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेसमिक मिक्सर का फॉर्मेशन हो रहा है। रेसमिक मिक्सर क्या है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेसमिक मिक्सर बोल रहे हैं। अब यहां पे आइए, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब अगर दो तीन कंपाउंड दिया है तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, थोड़ा सा समझिए। आते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन पे। देखिए ये क्या होता है, क्योंकि यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है इन कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ये एक्स है, यहां पर भी एक कार्बन CH3, ये भी CH3, ये भी CH3 है। अगर ये X मॉलिक्यूल बाहर जाता है नेगेटिव तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस कंडीशन में देखिए क्या है, CH3 और ये CH3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, लेकिन यही मॉलिक्यूल अगर CH3 CH2 एक्स माइनस होता और ये ब्रेक करता तो ये क्या होता, CH3 CH2, और यहां पे ये कार्बोकेटायन आता है, तो ये 1 डिग्री हुआ। हम लोग जानते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटायन का। तो इस टाइप से SN1 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन याद कीजिए SN2 रिएक्शन में ये ऑर्डर क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए, वीक न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। SN2 में क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका है, इस पे पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, तो कोई भी अगर एक वीक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज आएगा तो आसानी से अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां पर क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, कहने का मतलब अगर ये मेरा अल्काइल हैलाइड सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है, हैलाइड अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तब रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, RI, RBr, RCl और RF। तो इस टाइप से हम लोग देखें SN1 रिएक्शन और उसका कुछ डिफरेंस। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं यहां पे, कि एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में 10.6 और 10.7। आइए 10.6 देखिए, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे नहीं है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अगर ये दोनों प्रोडक्ट है तो इन दोनों में से किस में SN2 रिएक्शन फास्टर होगा। तो ये सब सारा डिग्री पे आपको देखना होगा। अभी हम क्या बोले, SN1 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री SN1 में, तो SN2 में ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जस्ट अपोजिट SN1 का। तो ये SN2 का मेरा ऑर्डर है। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए,
जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है ये एक कार्बन से अटैच है, तो ये मेरा क्या है 1 डिग्री। अब आ जाइए, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है ये कार्बन से, ये कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन और एक दो कार्बन, तो ये मेरा क्या हुआ 2 डिग्री। तो इनमें ऑर्डर क्या होगा, सबसे फास्ट किसमें होता है SN2, 1 डिग्री में, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब आ जाइए यहां पे, अगर मेरा अल्काइल ग्रुप सेम है तब डिपेंड किसके किस पे करता है, हेलोजन ग्रुप पे। और ये जो हेलोजन ग्रुप पे SN1 और SN2 में दोनों में ऑर्डर सेम होता है, तो सबसे फास्ट किसमें होता है, RI में, फिर RBr में, फिर RCl, फिर RF। यहां पे R क्या है, सेम अल्काइल ग्रुप। तो यहां पे देखिए, ये भी मेरा 1, 2, 3, 4 ब्यूटाइल ग्रुप है, ये भी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो अगर फास्टर बोलेगा सबसे किसमें होता है, आयोडीन में, तो इसका फास्टर किसमें होगा, इसमें हो जाएगा। अब आ जाइए 10.7। देखिए 10.7 समझने के लिए आपको जानना होगा कि एलाइलिक और बेंजाइलिक में SN1 ज्यादा होता है या SN2 ज्यादा होता है। तो आप याद कीजिए कि SN1 रिएक्शन एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या था, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्या था मेरा एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप था जिस कार्बन से, ये मेरा एलाइलिक ग्रुप था जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच था, इसके बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड था, तो ये मेरा क्या था एलाइलिक था। अब ध्यान दीजिए, अगर ये क्लोरीन यहां से हट जाएगा तो यहां पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा। अब यहां पे देखिए ये क्या एलाइलिक ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप है, यहां पे देखिए रेजोनेंस होता है, यहां पे पार्शियली पॉजिटिव, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, CH2 सिंगल, CH डबल बॉन्ड, CH2, और यहां पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा। क्योंकि यहां पे रेजोनेंस होता है इसलिए एलाइलिक में SN1 रिएक्शन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहां पे चार्ज का न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसी टाइप से बेंजाइलिक में होता है, यहां पे ध्यान दीजिए बेंजाइलिक ग्रुप कौन सा था मेरा, ये CH2 Br, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है उसके बाद वाले कार्बन डबल बॉन्ड से, अगर ये Br- यहां पे है तो यहां पे क्या होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखिएगा एलाइलिक और बेंजाइलिक में SN1 रिएक्शन फास्टर होता है। अब देखिए मेरा 10.7 जो एग्जांपल में क्वेश्चन दिया वो क्या बोल रहा है, आपको ऑर्डर अरेंज करना है फास्टर SN1 रिएक्शन किसमें होगा, क्या SN1 का ऑर्डर क्या होगा और SN2 का ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग एक का ऑर्डर निकालते हैं, सेकेंड जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, तो हम लोग चलिए SN1 का ऑर्डर निकालते हैं, किसका SN1 का। तो SN1 में क्या होता है सबसे ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। देखिए इसको याद आप कैसे रखिएगा, SN1, तो याद रखिएगा 1, 2, 3। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। क्या बता रहे ध्यान दीजिए, SN1 रिएक्शन, तो आप लिखिएगा 1, 2, 3, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब देखिए इस ग्रुप को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये ग्रुप मेरा ये है और ये ग्रुप मेरा हम ये लिखें, और इस ग्रुप को हम ये लिख सकते हैं C6H5, ये क्या है बेंजाइल ग्रुप है, तो यहां पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वही बस हम ऑर्डर डिग्री देखेंगे, तो जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है ये देखिए एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या है 1 डिग्री। जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप देखिए यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, तो ये क्या है 2 डिग्री है। यहां पे देखिए जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है एक कार्बन और इधर एक कार्बन, तो ये भी 2 डिग्री है। यहां पे देखिए 1, 2, 3, तो ये 3 डिग्री है। तो SN1 रिएक्शन में क्या है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल अगर BC इसे हम D मान लें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा 3 डिग्री में, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए B और C दोनों मेरा 2 डिग्री है, दोनों में 2 डिग्री जरूर है, लेकिन यहां पे देखिए जब ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा तो यहां पे दो दो बेंजीन ग्रुप है जो रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल होगा। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब चीज डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दो दो बेंजीन रिंग के कारण यहां पे रेजोनेंस ज्यादा होगा। यहां पे एक ही बेंजीन और एक CH3 ग्रुप, यहां पे इससे तो रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो इसमें फास्टर होगा। तो रिएक्शन क्या होगा बी, फिर क्या होगा सी, और सबसे कम ए में। तो ये SN1 का ऑर्डर हुआ, जस्ट इसका ऑपोजिट किसका होगा SN2 का। तो इस टाइप से हम लोग डिग्री के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं SN1 और SN2 में। चलिए तो हम लोग रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन का एलिमिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं, मतलब
सेकेंड रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब हट जाना। यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका एक ये हेलो एल्केन है, यहाँ पे एच है, ये एक्स ग्रुप है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इनका जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक के ओ एच के प्रेजेंस में, एल्कोहलिक लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एक्वस। यहाँ पे होता क्या, ध्यान दीजिए, ये एक्स ग्रुप क्योंकि हेलोजन ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, पार्सली निगेटिव और पार्सली पॉजिटिव। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, निगेटिव, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाता है और H प्लस लेके जाता है और यहाँ पे क्या आएगा, पार्सली निगेटिव। ये H प्लस और X माइनस मिलके बनाता है HX। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बनाता है, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बना यहाँ पे, क्योंकि एक कार्बन फोर बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे HH होगा, तो ये क्या बना, एक अल्कीन बना। तो हमेशा याद रखिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि यहां पे एच और एक्स क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ, मतलब इस प्रोडक्ट से बाहर चला गया। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। अब यहां पे क्योंकि हाइड्रोजन कहां से एलिमिनेट हो रहा है, बीटा कार्बन से, कहां से, बीटा कार्बन से, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। इस रिएक्शन को एक और नाम दिया गया, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन ग्रुप, क्योंकि इस एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक साथ एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए सी एच एच और यहां पे मेरा मान लेते हैं बी आर है, किनके प्रेजेंस में, हमेशा याद रखिएगा, एल्कोहलिक नॉट एक्वस। होता क्या, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है पार्सली निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पार्सली पॉजिटिव। ये H प्लस इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव और ये पार्सली निगेटिव। ये H प्लस और Br मिलके क्या बनाएगा, HBr। प्लस ये प्लस और माइनस मिलके डबल बॉन्ड बनाता है तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड H। ये प्रोडक्ट मेरा क्या बना, अल्कीन। तो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन बनता है। अब हम यहां एल्कोहलिक पे प्रेशर क्यों दे रहे थे, थोड़ा समझिए। सेम चीज है आपके पास, सी एच एच बी आर, अगर यहां पे एल्कोहलिक के जगह पे आप एक्वस के ओ एच लेते हैं, एक्वस का मतलब वाटर, और वाटर हमेशा किस में ब्रेक होगा, एच प्लस और ओ एच माइनस में। अब ध्यान दीजिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये एक्वस है मतलब वाटर है, एच प्लस ओ एच माइनस, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है पार्सली नेगेटिव, यहां पे पार्सली पॉजिटिव। ये बी आर माइनस इस एच प्लस से मिलता है और यहां प्रोडक्ट बनता है एच बी आर, और क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है तो ये ओ एच यहां पे जाके अटैक करता है और प्रोडक्ट क्या देता है, सी एच थ्री सी एच टू, दो हाइड्रोजन यहां पे ओ एच जाएगा, इन सबके पास यहां पे क्या था, हाइड्रोजन था। अब यहां पे डिफरेंस समझिए, जब हम एल्कोहलिक को एच ले रहे हैं तो मेरा प्रोडक्ट अल्कीन दे रहा है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जब हम एक्वस के एच लेते हैं तो मेरा प्रोडक्ट एक एल्कोहल देता है। यही डिफरेंस है दोनों में, बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपका एनसीईआरटी से यूज भी करता है। हम यहां पे मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आप याद रखिए, जब एल्कोहलिक के एच लेते हैं तो यहां पे प्रोडक्ट क्या देगा, अल्कीन देगा, और जब एक्वस के एच लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या देगा, एक एल्कोहल देगा। तो इस टाइप से इन दोनों को आप नोट करके लिख के रख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हम लोग पढ़ना है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या है, जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि मेरे पास दो कार्बन से हाइड्रोजन निकालने का प्रोबेबिलिटी आ जाए तब वहां पे हम सेटजेफ रूल को अप्लाई करते हैं। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं यहां पर मेरे पास सी एच थ्री, इस कार्बन के पास बी आर है, एच सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। अगर यहां पे हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे, एल्कोहलिक के ओ एच से, तो अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, बी आर माइनस, चलिए इस कार्बन से तो चला गया,
लेकिन अब यहां पे जस्ट बगल वाले कार्बन से H प्लस जाता था। अब यहां पे देखिए H प्लस यहां से भी निकल सकता है, H प्लस यहां से भी निकल सकता है। तो अब यहां पे हम H प्लस कहां से निकालेंगे? चलिए इस कार्बन का नाम देते A और इस कार्बन का नाम दे रहे हैं B। पहले हम H प्लस A से निकाल रहे हैं, किससे? इससे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या दिया, CH3CH2, क्योंकि यहां पे Br पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा, Br नेगेटिव लेके जाएगा तो यहां पे क्या होगा पॉजिटिव, और H प्लस जाएगा यहां पे नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये प्रोडक्ट देगा। अब वहीं पे आप ध्यान दीजिए, अगर हम इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए इस कार्बन से हाइड्रोजन, तो Br माइनस यहां पे प्लस चार्ज बना, यहां से H प्लस जाएगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड आएगा, तब देखिए प्रोडक्ट क्या देगा, CH3CH2CH2CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकालने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, तब यहां पे मेरा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, माइनर प्रोडक्ट कौन होगा, तब ये डिसाइड करेगा शेडजेफ रूल। शेडजेफ रूल क्या बोलता है, जिस प्रोडक्ट के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब हम ये कैसे पहचानेंगे, आप यहां पे सर्कल कीजिए डबल बॉन्ड वाले को, यहां पे भी कीजिए, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो यहां पे ये अल्फा कार्बन है, यहां पे ये अल्फा कार्बन है, दो अल्फा कार्बन है, यहां पे देखिए सिर्फ और एक ही अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, यहां पे तीन, मतलब टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पे देखिए कितना, 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू शेडजेफ रूल। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हुआ, ये माइनर हुआ, ये अबाउट 81% बनता है और ये 19% बनता है। तो जब मोर देन 2+ से जब हम लोग को हाइड्रोजन निकालने के लिए आएगा, तब डिसाइड हम लोग करेंगे कि कौन मेजर या माइनर, इससे हम लोग शेडजेफ रूल से डिसाइड करेंगे। तो ये मेरा था एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट पे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां पे नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको ज्यादा पढ़ेंगे। सिर्फ यहां देखते हैं होता क्या है, जब आप एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, उसको हाईली रिएक्टिव मेटल जस्ट लाइक मैग्नीशियम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो ये प्रोडक्ट बनता है RMgX। इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और इसे हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन हाईली पोलर होता है, और मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है आयनिक बॉन्ड होता है। ये जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा तो एक बात हमेशा याद रखिए, ये बॉन्ड यहां से आप ब्रेक कीजिएगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज और अल्काइल पे निगेटिव चार्ज। ये बनता है कैसे देखिए, मैग्नीशियम पे क्या होता है +2 चार्ज होता है, एक R से जुड़ता है दूसरा X से, तो ये लिखने का तरीका है। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जब भी इससे रिएक्शन करेगा तो R और Mg के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कीजिएगा, ना कि Mg और X के बीच को, जैसे आप इसको वाटर से रिएक्शन कराइए, RMgX किससे रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर से। तो हम लोग जानते हैं वाटर हमेशा किस में ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा पॉजिटिव प्लस माइनस, माइनस के पास ये H प्लस जाएगा, तो ये क्या बना RH, और Mg यहां पे OH जाएगा प्लस के पास नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा MgOHX। देखिए ये सब लिखने का तरीका है, मैग्नीशियम के बाद पहले OH लिखिएगा फिर X लिखिएगा, और यहां पे RMgX लिखते हैं। तो इस टाइप से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आपका दिया है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन क्या है, जब एक अल्काइल हैलाइड मान लीजिए RX रिएक्ट करता है सोडियम मेटल से, किससे, सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो ये डाई अल्काइल प्रोडक्ट देता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। ये होता है कैसे थोड़ा सा समझिए, ये जब भी हम लोग लेंगे दो मॉलिक्यूल लेंगे, तो देखिए रिएक्शन कैसा होता है, RX और दो सोडियम लेते हैं,
2NA, एक मॉलिक्यूल को हम इस टाइप से लिख रहे हैं आर एक्स, ये यहां से बाहर चला जाता है और आर अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप आपस में कनेक्ट होता है और एक सोडियम से एक हेलोजन, दो सोडियम है तो 2NX प्रोडक्ट यहां पे ये बनता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन। देखिए ये सब रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब रिएक्शन हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग को कार्बन में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन करना होगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाना होगा, कन्वर्जन में बहुत ज्यादा ये सब यूज होता है। थोड़ा समझिए, एक एग्जांपल से देखिए, अगर यहां पे हम लिखते हैं CH3Cl, इससे अगर हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है CH3CH3, मतलब एक कार्बन से दो कार्बन प्रोडक्ट बनाना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऊर्जा रिएक्शन को यूज करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, CH3Cl प्लस 2NA, एक और मॉलिक्यूल हम लेंगे ClCH3 और देखिए यहां से बाहर चला जाएगा तो प्रोडक्ट क्या देगा CH3CH3। तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन को जब हम लोग को इंक्रीज करना होगा तो ऊर्जा रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं। इसमें हमेशा याद रखिएगा, ऊर्जा रिएक्शन जब भी प्रोडक्ट देता है तो इवन नंबर ऑफ कार्बन देता है।